पटाका, सच में पटाका लग रही है आज तो तू। अंशुमन गिल, ये पटाका फूट गया ना तो तेरा मुंह यही काला हो जाना है। कैफे में वेटरेस का काम कर रही श्रद्धा ने सेलिब्रिटी कस्टमर अंशुमन को करारा जवाब दिया और उसकी कॉफी और सैंडविच टेबल पर रखने लगी। तभी अंशुमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है, हमें अपने हाथों से कॉफी तो पिला दो। श्रद्धा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया पर इस खींचातानी में कॉफी अंशुमन के जैकेट पर गिर गई। शिट शिट शिट, ये क्या किया? पता है कितनी महंगी जैकेट है, मेरी फेवरेट जैकेट खराब कर दी, अब तो तू गई। उसने गुस्से में दांत भींच लिए थे। अच्छा ही हुआ, और कर बदतमीजी। मन ही मन बड़बड़ाते हुए श्रद्धा उसे गुस्से से घूर रही थी। ये शोर सुन कैफे का मैनेजर वहां आ गया। चंडीगढ़ के पॉश एरिया सेक्टर 14 में बना द हाउस ऑफ ब्रू कैफे बहुत ही अच्छा और पॉपुलर था। श्रद्धा पिछले एक साल से यहाँ वेटरेस की जॉब कर रही थी। अंशुमन एक ठरकी इंसान था, वो पिछले कुछ महीनों से श्रद्धा को परेशान कर रहा था, पर श्रद्धा अपनी जॉब के लिए ये सब सहन कर रही थी। उनके पास पहुंचते ही मैनेजर ने श्रद्धा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। श्रद्धा, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? ये कैफे तुम्हारे बाप का नहीं है, इतने बड़े सेलिब्रिटी पर कॉफी गिरा दी, हद होती है लापरवाही की। श्रद्धा जानती थी कि मैनेजर अंशुमन का चमचा है, वो उसकी सफाई में कुछ नहीं सुनेगा, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी बकवास सुनती रही। अंशुमन का गुस्से वाला चेहरा देख मैनेजर और भड़कते हुए बोला, लेट आने के लिए तो बड़ी जल्दी मुंह खुलता है तुम्हारा, अब क्या हुआ, सांप सूख गया क्या? पता नहीं माँ की बीमारी के बहाने कहाँ कहाँ मुंह मराती फिरती हो। ये सुन श्रद्धा को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि कैफे की एंट्रेंस से आवाज आई, मुझसे मिलने आती है ये। अब तक जो मैनेजर लगातार बकवास किए जा रहा था, ये आवाज सुन जैसे उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसने नजर घुमाकर देखा और तुरंत ही सॉरी जैसा फेस बना लिया। वहीं श्रद्धा के चेहरे पर स्माइल थी। टॉल, हैंडसम, हल्की बियर्ड, लाइट ब्राउन बाल जिन्हें जेल से अच्छे से सेट किया गया था, बॉडी पर स्लिम फिट कैजुअल टी शर्ट और ब्लू जीन्स के साथ ब्रांडेड कैजुअल शूज में चलता हुआ पंजाबी मुंडा एंट्रेंस से उसके पास पहुंचा। फुल स्टाइल में उसने अपने ग्लासेस उतारे और बोला, हाँ बता, तू कुछ कह रहा था ना श्रद्धा को, किससे मिलने जाती है ये एनॉल? ये कबीर सबरवाल की बंदी है और उसी से मिलने आती है, तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो बोल। कबीर को देख अंशुमन भी वहां से खिसक लिया था। मैनेजर के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। काउंटर से ये सब तमाशा देख रही श्रद्धा की कॉलीग और बेस्ट फ्रेंड रुचि भी अब मुस्कुरा रही थी। मैनेजर की हालत देख उसे बड़े मजे आ रहे थे। कबीर ने इधर उधर देखा तो अंशुमन उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उसने मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। कह देना उस ठरकी से, आगे से मेरी बंदी को छूने की कोशिश भी की ना तो छोड़ूंगा नहीं और तेरा कैफे भी बंद करवा दूंगा। इतना बोल उसने श्रद्धा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो श्रद्धा, आज के बाद तुम यहाँ जॉब नहीं करोगी। पर कबीर। कबीर ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे बाहर ले आया। बाहर आते ही श्रद्धा ने उससे कहा, कबीर रिलैक्स, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, एंड डोंट वरी, मैं जॉब छोड़ दूंगी बट मुझे अपना सामान तो लाने दो, लेट मी गेट चेंज्ड। उसकी इस बात पर कबीर ने हल्के से सिर हिलाया और श्रद्धा वापस अंदर चली गई। अपना सामान पैक कर उसने कैफे की यूनिफॉर्म चेंज कर ली। जब वो बाहर आई तो ब्लू डेनिम्स और सिंपल कॉटन कुर्ती के साथ चांद बालियां पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे ऐसे देख रुचि एकदम हैरान रह गई। वो जल्दी से उसके पास गई और तुरंत उसने पूछा, श्रद्धा तू ऐसे इस वक्त कहाँ जा रही है, कहीं तू जॉब तो नहीं छोड़ रही? श्रद्धा ने तुरंत हाँ में सर हिलाया तो रुचि का चेहरा उतर गया। उसने उसे समझाते हुए कहा, श्रद्धा आई नो यू लव कबीर, पर उसके लिए ऐसे जॉब छोड़ देना? पर वो तो ये सब रोज बोलता है, और जब उस दिन मैंने तुझसे कहा कि तुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए तब तो तूने मना कर दिया। देख श्रद्धा, मैं तेरी दोस्त हूँ इसलिए तुझे समझा रही हूँ, हमें अपनी जिंदगी अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए।
श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए नहीं, अपने लिए। तूने देखा ना मैनेजर क्या बोल रहा था। तू ये कैसी बातें कर रही है रुचि, तू तो सब जानती है कबीर ने मेरे लिए कितना कुछ किया। माँ के हॉस्पिटल के बिल्स, मेरी पढ़ाई, कितनी हेल्प की है उसने मेरी। अगर आज मैं इस अनजान शहर में सेटल हो पाई हूँ तो सिर्फ कबीर की वजह से। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। इस पर रुचि ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, इसे नाम देने का वक्त आ गया है। उसकी ये बात सुन श्रद्धा के दिमाग में कुछ चलने लगा। वो उसे बाय बोलकर जल्दी से बाहर आ गई। कबीर कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। श्रद्धा एक साल पहले कबीर से पहली बार इसी कैफे के बाहर मिली थी। आज कैफे तो छूट गया था पर कबीर को वो कभी नहीं छोड़ सकती थी। रुचि की उस बात के बारे में सोचते हुए ही वो मुस्कुराते हुए कार में जाकर बैठ गई। उसके दिमाग में कबीर के लिए एक सरप्राइज प्लान तैयार हो चुका था। उसके बैठते ही कबीर ने कहा, चलें? श्रद्धा ने सर हिला हाँ कहा और कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते में श्रद्धा ने उसे कहा, थैंक यू कबीर। कबीर ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो श्रद्धा बोली, मुझे इतना प्रोटेक्ट करने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कबीर ये सुन मुस्कुरा दिया। श्रद्धा आगे बोली, हमेशा तुम ही मेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, आज मेरी बारी है, आज हम साथ में डिनर करेंगे मेरे घर पे, और हाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। ये सुन कबीर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, सरप्राइज, क्या बात है, ओके आई विल बी देयर। आज रात के बारे में सोचते हुए श्रद्धा के चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबीर भी सरप्राइज का नाम सुन बहुत खुश था। श्रद्धा और कबीर की ये लव स्टोरी करीब एक साल पहले शुरू हुई थी। उस रात कबीर श्रद्धा के कैफे के पास बने एक पब में बैठा लगातार पिए जा रहा था। वो कई दिनों से वहां लगातार आ रहा था पर उस रात उसे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। वो जब बाहर निकला तो गाड़ी के पास आकर वही नीचे गिर गया। वो गिरते ही बेहोश हो गया था। श्रद्धा की उस दिन लेट नाइट शिफ्ट थी। वो कैफे से निकली ही थी कि उसकी नजर कबीर पर पड़ी। उस रात उसी ने उसका वॉलेट चेक कर उसे सेफली घर पहुंचाया। अगले दिन जब उसके बारे में पता कर जब कबीर उसके पास कैफे पहुंचा तो उसने उसकी हेल्प को पैसों से कॉम्पेंसेट करना चाहा। पर इतनी तकलीफ में होते हुए भी श्रद्धा ने साफ मना कर दिया। उसके बाद वो रोज कैफे जाने लगा। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई और दोनों इतने करीब आ गए। कबीर का पूरा नाम कबीर सबरवाल था। सबरवाल कंस्ट्रक्शन का एक लौता वारिस। उनका बिजनेस पूरे पंजाब में फैला हुआ था। करीब 20 मिनट की ड्राइव के बाद कबीर ने गाड़ी रोकी और कहा, लो आ गया तुम्हारा घर। कार से उतरते हुए श्रद्धा ने मुस्कुराकर कबीर से कहा, आज रात को लेट मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कबीर ने उसे हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया और श्रद्धा चली गई। पिछले 1.5 साल से चंडीगढ़ के एक छोटे से 1 BHK फ्लैट में श्रद्धा अपनी माँ गायत्री के साथ रहती थी। उनका पटियाला से यहाँ आने का कारण गायत्री की बीमारी था। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की वजह से वो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही एडमिट रहती थी। उनके इलाज के लिए ही श्रद्धा इतने वक्त से मैनेजर की बातें सुन रही थी। कबीर उसे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करता था पर वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए जितना हो सके खुद भी मेहनत करती थी। घर आते ही श्रद्धा ने सबसे पहले खाना बनाया और फिर हॉल को कैंडल्स और रोजेस से सजा दिया। इन तैयारियों में उसे पता ही नहीं चला कब कबीर के आने का टाइम हो गया। ऑल सेट, अब बस कबीर के आने की देरी है। ये बोल उसे कुछ याद आया तो अपने सर पर मारते हुए बोली, ओ नो, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ, अभी तक तैयार ही नहीं हुई, कबीर आते ही होंगे। वो तुरंत तैयार होने चली गई। उसने खूबसूरत फ्लोरल ड्रेस पहनी। मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल लगाने वाली श्रद्धा ने आज स्पेशली कबीर के लिए हल्का सा मेकअप किया था। वो अपने बाल सेट कर रही थी कि तभी डोरबेल बजी। श्रद्धा थोड़ा नर्वस हो गई। आज पहली बार उसने कबीर के लिए कुछ किया था, वरना आज तक तो कबीर ही उसके लिए इतना कुछ करता आया था। उसने लंबी गहरी सांस ली और जाकर दरवाजा खोला।
कबीर ने जब अपने सामने खड़ी श्रद्धा को इस तरह से देखा तो एक बार के लिए तो वो देखता ही रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। श्रद्धा आज वाकई हमेशा से अलग और बहुत प्यारी लग रही। श्रद्धा उससे बात कर रही थी और कबीर ने उसे किस करना शुरू कर दिया। श्रद्धा आज उसे रोकना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में बात किस से आगे बढ़ चुकी थी। कबीर श्रद्धा को अपनी बाहों में उठाकर कमरे के अंदर ले गया और लाइट्स ऑफ कर दी। चांदनी रात में श्रद्धा को कबीर का चेहरा हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। आज उसके लिए ये रात काफी स्पेशल थी। वो कबीर की आंखों में देखते हुए प्यार से बोली, कबीर इट्स माय फर्स्ट टाइम। कुछ मत बोलो, बस इस पल को एंजॉय करो। ये बोलते हुए कबीर ने उसके होठों पर किस कर दिया। ये रोमांटिक रात कैसे निकल गई उन दोनों को ही पता नहीं चला। श्रद्धा सुकून से कबीर की बाहों में सो रही थी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। कबीर के बारे में सोच उसने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। उसने अपने आसपास देखा तो कबीर नहीं था। उसे लगा वॉशरूम में होगा। वो उठकर अंगड़ाई लेने लगी। पीछे पर्दों से आ रही सुबह की रोशनी में श्रद्धा बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बेड से उठी तो वॉशरूम से आती आवाज से उसे कंफर्म हो गया कि कबीर वही है। उसने आवाज लगाकर प्यार से कहा, कबीर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जल्दी आओ। श्रद्धा आज बहुत खुश थी। पिछली रात के बारे में सोच सोच कर उसके चेहरे से स्माइल ही नहीं जा रही थी। वो खुद से ही शर्माते हुए गुनगुना रही थी, पहला नशा पहला खुमा, नया प्यार है नया इंतजार। आगे के बोल बोलता हुआ कबीर उसके पास आया और उसे कमर से पकड़ लिया। क्या बात है, आज तो अलग ही खुमार छाया है। श्रद्धा ये सुन मुस्कुरा दी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर का फोन बज गया। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नंबर देख वो बात करने बाहर चला गया। एक सेकंड में आया। श्रद्धा ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद ही कबीर वापस नहीं आया तो उसे हैरानी हुई। उसने आवाज दी, कबीर क्या हुआ, किसका कॉल है? पर कोई जवाब नहीं आया। श्रद्धा ने गैस बंद की और बाहर आ गई। उसने देखा बाहर कोई नहीं था। दरवाजे के पास रखे कबीर के शूज भी गायब थे। कबीर चला गया था। वो बेडरूम में आई तो वहां बेड पर एक नोट के साथ पैसों की गड्डी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने नोट पढ़ा, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सरप्राइज, अब तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो पैसों की जरूरत होगी। श्रद्धा ये सुन शर्मा गई, पर उसे पैसों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये पैसे कबीर ने क्यों छोड़े होंगे, कोई ना उसी से पूछ लेती हूँ। ये सोच उसने कबीर को कॉल किया तो वो फोन नहीं उठा रहा था। उसी वक्त चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर येलो शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की अराइवल गेट से खुश होती हुई बाहर आ रही थी। वो देखने में सुंदर थी। उसके ड्रेसिंग स्टाइल और चलने से साफ पता चल रहा था कि वो किसी बहुत बड़े घर से है। गेट के ठीक सामने ब्लैक गाड़ी के पास एक लड़के को देख वो थोड़ा जोर से बोलते हुए जल्दी से उसके पास आई, कबीर ओ माय गॉश यू आर स्टिल द सेम, वही चार्म वही स्टाइल, लव यू मैन। ये बोल वो उसके गले लग गई। ये कबीर ही था जो श्रद्धा के घर से सीधा यहाँ आ गया था। कबीर ने भी उसे हक करते हुए कहा, मिन्नी फाइनली यू आर बैक माई लव, यस बैक फॉर एवर, आई मिस यू अ लॉट, आई एम सॉरी कबीर, पर अब मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। ये सुन कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो दोनों कार में बैठे। कबीर ने अपना फोन देखा तो श्रद्धा अभी भी उसे फोन कर रही थी। उसने उसका कॉल उठाए बिना ही फोन वापस रख दिया। श्रद्धा को जब उसके इस रूप के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, कौन थी ये मिन्नी?